अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय मॉम्स रेसिपी चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय रीसेंट वीडियोस। आज हम बनाने वाले हैं शादियों वाला ग्रीन चिकन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने इसमें ले लेना है चिकन। ये मैंने 1 kg चिकन ले लिया है। 1 किलो चिकन ले लें, पीसेस आप अपने हिसाब से कर लें, बड़े या छोटे जो भी साइज़ के हैं। इसे मैंने ऑलरेडी वॉश करके रख लिया है। ये मैंने 250 ग्राम दही, ये 40 बादाम ले लिए हैं मैंने, ये कोरिएंडर लीव्स और ये मिंट लीव, दोनों भी लीव्स को मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड कर दिया है मिक्सर जार में। और मैंने इसमें 10 हरी मिर्ची ऐड कर लिए हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्ची पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। ये मैंने 3 बड़ी प्याज कट कर ली हैं, देख सकते हैं आप। 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून नमक, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ले लें, हल्दी पाउडर, शाही ज़ीरा, 3 दालचीनी। ये मैंने पेस्ट बना लेना है। ये मैंने पेस्ट रेडी कर दिया है ऑलरेडी। अब इसी में हम ऐड करेंगे बादाम। बादाम का भी हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसका भी बारीक पेस्ट बना लें आप। ये देखिए बादाम का पेस्ट रेडी हो चुका है। सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास रेडी हैं। ये मैंने तेल ले लिया है। तेल में मैंने 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। इसे मैं अच्छे से भून लूँगी एटलीस्ट 2 मिनट्स के लिए, ताकि ये थोड़ा सा रेड हो जाए, मतलब ब्राउन बादामी कलर का हो जाए। और मैंने इसमें 3 दालचीनी और 1/2 टेबल स्पून शाही ज़ीरा भी ऐड कर लिया है। इसे मैं इसी तरीके से 2 मिनट तक तेल में फ्राई कर लूँगी। नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, जो मैंने ऑलरेडी 4 to 5 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। इसमें हल्के हाथों से आप संभल कर चिकन ऐड कर दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें आप। हम इसे इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे चिकन को गला लेंगे बिना पानी ऐड किए, क्योंकि चिकन का पानी ऑटोमेटिकली छूटता है। इसमें ज़रा सा भी पानी ऐड ना करें आप। इसी तरीके ये चिकन गलने के लिए आपको एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। इसे आप अच्छे से ढाँक कर रख दें। ये देखिए हमारा चिकन रेडी हो चुका है, ये अच्छे से गल चुका है। मैंने थोड़ा भी पानी ऐड नहीं किया। इस ये चिकन को आप एक अलग से बर्तन में निकाल लें। अब हम चिकन को बघार लेंगे। उसके लिए मैंने तेल ले लिया था। उसमें मैंने 3 प्याज की बड़ी वाली डली कट कर ली थी, देख सकते हैं बारीक साइज़ में। इसी तरीके से कट कर लें आप और इसे अच्छे से फ्राई कर लें लाइट ब्राउन कलर का। ये देख सकते हैं प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें अनियन के साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने कोथमीर पुदीना हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिया था। इसी में 1 टेबल स्पून आप ये ग्रीन लिक्विड ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड करें, इससे अच्छा ग्रीन कलर आता है। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारे कोथमीर पुदीने के साथ। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज में और इसे अच्छे से मिक्स कर लें आप एटलीस्ट 1 मिनट के लिए। इसे आप पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे बादाम का पेस्ट, जो हमने ऑलरेडी बना के रख लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करें आप इसमें। बादाम के पेस्ट में ही हल्का सा वाटर ऐड करें, अगर ज़रूरत नहीं है तो उसके भी पानी ना ऐड करें आप, वो भी पानी ऐड ना करें। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें आप सारे मसालों के साथ। 1 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। 250 ग्राम दही लेना है हमें और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे दही को आप हल्के हाथों से। अब हम ये दही वो सारे मसालों में ऐड कर देंगे। देख सकते हैं आप तेल नज़र आ रहा है, जब मैंने बादाम ऐड किया तभी मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही को भी आप अच्छे से मिक्स कर लें और मीडियम फ्लेम पर इसे पकने के लिए एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए छोड़ दें। दही भी हमारा अच्छे से पक चुका है मसालों के साथ, देख सकते हैं। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने इसमें अब ऐड करना है 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये मैंने धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, सारे मसाले घर में ही पीस लिए थे मैंने। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्ची पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर दें। और ये सारे मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लें, फ्लेम को हाई ना रखें वरना ये मसाले जल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद एटलीस्ट 5 to 10 मिनट से इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पका लें। जब ये मसाले अच्छे से पक जाएं, इसमें से एक अच्छी स्मेल आती है, खुशबू आती है। जब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, जो हमने ऑलरेडी गला के साइड में रख लिया था, ये देख सकते हैं आप। इसमें ऐड कर दें आप और इसे इस
सारे चिकन को आप मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लें, हल्के हाथों से मिक्स करें वरना चिकन टूट सकता है। मिक्स करने के बाद अब हम इसे पकने के लिए 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा चिकन ऑलमोस्ट 90% रेडी हो चुका है। इसे हम गार्निश कर देंगे कोरिएंडर लीफ से, अगर आप चाहें तो इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट के अनुसार। इसे मैंने कोरिएंडर से गार्निश कर दिया है, कोथमीर से अच्छे से गार्निश कर दें और इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख लिए। ये हमारा हैदराबादी शादियों वाला ग्रीन चिकन रेडी हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई मॉम्स रेसिपी चैनल। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन।